तीखा, चटपटा और मजेदार, ऐसा अचार जिसका स्वाद आप सालों तक भूल ही ना पाए। यह है राजस्थान का फेमस मिर्ची का अचार, जिसे अथाने की मिर्ची भी कहा जाता है। और जब भी कोई मारवाड़ी कहीं भी ट्रैवलिंग करता है तो इस अचार को अपने साथ जरूर रखता है। आज मैं आपके साथ इस मिर्ची के अचार को बनाने के कुछ ऐसे खास टिप शेयर करूंगी, जिससे ये अचार सालों तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे आप जब भी मिर्ची को इस तरह कट करें तो अपने हाथों में पहले ऑयल लगाकर फिर मिर्ची कट करें, ताकि आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो चलिए अब हम जल्दी से अचार बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अथाने की मिर्ची बनाने के लिए हम एक कटोरी राई लेंगे। राई को आप अच्छा साफ कर लें, फिर यूज़ करें। वजन में अप्रोक्स यह 150 ग्राम है। हमें इसका दरदरा पाउडर तैयार करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें इस तरह का राई का पाउडर चाहिए। अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, 4 चिमटी हल्दी, 1.5 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। आप चाहे तो आमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। नींबू का जूस आप 1 टेबल स्पून लें। 1/3 बाउल नमक लेंगे। 1/3 यानी आधे से थोड़ा कम और 1/4 से थोड़ा ज़्यादा। माप के लिए मैंने वही बाउल यूज़ किया है जिससे मैंने राई लिया था। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसे धुआं निकलने तक अच्छा गर्म करेंगे। जब तेल हल्का गर्म रह जाए तो उसमें 1/2 टी स्पून हींग डालकर मिक्स करेंगे। सभी सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार है मिर्ची में भरावन के लिए। इतना मसाला 1/2 के जी मिर्ची के लिए इनफ है। यहाँ मैंने 1/2 किलो मिर्ची ली है, जिनको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर सुखा दिया, यानी कि इन पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो आप इन्हें सूखे कपड़े से पोंछे फिर यूज़ करें। अचार को 1 साल तक सही रखने के लिए मेन थिंग है, तो आप ऐसा ही करें। मसाला भरने के लिए हम इस तरह से मिर्ची में एक कट लगाएंगे। कट आप इस तरह से लगाएं कि मसाला मिर्ची के अंदर ही रहे। ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा पार्ट छोड़कर कट लगाएं। मिर्ची में अगर बहुत सारे बीज हों तो आप थोड़े से बीज निकाल दें। इस तरह से आप मिर्ची को झटकें तो उसमें से एक्स्ट्रा बीज बाहर निकल जाएंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी सभी मिर्ची में भी कट लगा लेंगे। अचार बनाने के लिए आप अच्छी मोटी और सीधी मिर्ची देख कर लें, ताकि उनमें अच्छे से मसाला भरा जाए और अचार भी अच्छा बनेगा। अब इस तरह से हम मिर्ची में मसाला स्टफ़ करेंगे। आप चाहे तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कम या ज़्यादा जितना मसाला आपको पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्ची में मसाला भरें। अचार को स्टोर करने के लिए आप कांच या फूड ग्रेड प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करें। स्टील के बर्तन में आप अचार न डालें, अदरवाइज कलर ख़राब हो जाता है। इस तरह से हम सभी मिर्ची में मसाला स्टफ़ कर लेंगे। अब हम मिर्ची को एक कांच के कंटेनर में डालकर रखेंगे। 4 से 5 दिन में हमारा अचार तैयार हो जाएगा। मिर्ची को हम इस तरह सीधा रखेंगे ताकि मसाला मिर्ची में रहे, गिरे नहीं। इस तरह सभी मिर्ची को डालकर हम ढक्कन बंद कर देंगे और आफ्टर 4 डेज हम इसे चेक करेंगे। मिर्ची का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है और खटाई की वजह से अचार में हल्का सा रस भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा भरवा मिर्ची का अचार तैयार होता है। आप देख सकते हैं मिर्ची कितनी अच्छी और रसीली दिख रही है। तो इस कम मेहनत वाले अचार को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाकर पूरे 1 साल तक खाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।